सुल्तान कर दे चढ़ाई। नहीं वो ये नहीं होता, वो होता सुल्तान कर दे चढ़ाई। अबे गज्जू भाई क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार आज मैं कार से जा रहा था, अच्छा एक लड़की को लिफ्ट दी, हाँ। रस्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर आता और बोलता मुबारक हो आप बाप बनने वाले हो, वही मेरा दिमाग खराब। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं इस लड़की के होने वाले बच्चों का बाप नहीं हूँ। फिर लड़की बोलती नहीं नहीं डॉक्टर साहब यही मेरे होने वाले बच्चों का बाप है। मेरा फिर से दिमाग खराब। हाँ। लड़की ने पुलिस बुला ली। मैंने कहा भाई चेकअप करवा लो, चेकअप करवाया तो पता लगा कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, वही मेरा फिर से दिमाग खराब है। लेकिन फिर मैंने चैन की सांस ली, चलो कोई बात नहीं। फिर एकदम से याद आया मेरे घर पे तो दो बच्चे हैं। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। सांस मत लो क्योंकि मैंने बात मारा है, बेहोश हो जाओगे। आप एक काम कीजिए, ये पैराशूट ले जाइए इमरजेंसी के लिए। और अगर ये पैराशूट नहीं खुला तो आपका पूरा पैसा वापस। अच्छा ठीक है फिर। मुझे हमेशा से आईफोन पसंद था लेकिन इतने पैसे नहीं थे तो मौसी ने बोला कि किडनी बेच दे। आज मेरे पास दो दो आईफोन है लेकिन मौसी नहीं रही। अब हमारे यहाँ ना शादियों में तीन तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। पहले तो ये डीजे सेशन, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के पता ही नहीं चलता कि ये शादी में आए या शमशान घाट के तांत्रिक के पास। भाई बहनों में सबसे छोटी बहन सभी की जान होती है और यही है वो महान जो रिश्तेदारों को मुंह तोड़ जवाब देती है और बच्ची है कहकर मामला सोल्व हो जाता है। तुझे पता है ये कौन है? बंदी है मेरी। लड़के इससे बात नहीं करते, तू साले सेटिंग कर रहा है। साले इसके आगे पीछे दिखा ना टांगे तोड़ दूंगा। चुप कर दो पापा। छन से जो टूटे कोई सपना, जगह सुना सुना लागे, जगह सुना सुना लागे रे। वाह भाई दर्द है तेरे आवाज में, दर्द है। थैंक यू भाई। तू भीख क्यों नहीं मांगता? ओ तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, हम रहते ही पागल खाने में हैं। साले ये नहीं बोलना था, बंदा ही खराब हुई है बोलना था, मुझे नहीं बनाने तेरे साथ वीडियो। क्या माय गॉड, अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुत्ते गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक कर। दोस्त जब रूठ जाए तो उन्हें मना लेना चाहिए क्योंकि वह पापी आपके सारे राज जानते हैं, पता नहीं कब टेलीकास्ट कर दे। मैंने आपसे कहा था दो सीटी के बाद गैस बंद कर दीजिएगा। बेटे मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे को सीटी बुझानी नहीं आती। देख बेटे, अरे कुकर की सीटी होती है वो, मैंने फेंक दी घर में। जवान बेटी है, कुकर की सीटी बजेगी अच्छा लगेगा। रुको जरा सबर करो। रात को मस्त 12 बजने का वेट करता हूँ और जैसे ही 12 बजता है एक वीडियो अपलोड, सबसे बेस्ट वाली, जहर जो आग लगा दे। सुबह उठ के देखता हूँ तो 5 लाइक और 50 व्यूज। मोबाइल को भाई साहब जमीन पे दे मारने का मन करता है लेकिन क्या करें, आगे जाके वीडियो उसी से बनाना है। लोग कह रहे हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश 15 साल पीछे चला जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा।
मैं भी अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो। आपके पति कैसे मरे? जेल खा के मर गए। लेकिन उनके शरीर पर तो चोट के निशान थे। जेल खाने से मना कर रहे थे। तो कैसी पत्नी है? पापा अगर आपको पता चले कि मैंने एग्जाम में टॉप किया है तो आपको कैसा लगेगा? मैडम मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। बस इसी डर से मैं फेल हो गया। कभी कभी बच्चों को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। रन। ए औकात मेरे अपनी, मुझे पता है तू किसका नौकर है, किसके इशारे पे नाचता है तू। ए दीदी पे मत जाना।